ज्यादातर प्लांट बेस्ड ओमेगा सप्लीमेंट जो इंडियन मार्केट में है वो स्कैम है। ब्रांड्स की बात करते हैं और स्पेसिफिकली जो ब्रांड मैं यूज कर रहा था वो मैं अब कभी नहीं यूज करने वाला। लैब रिजल्ट्स देख के ऐसा ही लगता है कि उसको लेके मैं अपना नुकसान कर रहा था। इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना जरूरी है कि नहीं और क्या इसे हम अपने डाइट से पूरा कर सकते हैं। सप्लीमेंट स्कैम की बात करता हूं लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि ट्रस्टिफाइड बोल के एक इंडियन ब्लॉग है जो फूड एंड सप्लीमेंट्स का ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो ब्रांड्स लेबल में क्लेम कर रहे हैं वो कितना सच है कि झूठ है। और इन्होंने ही ऐसे 9 प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट का ब्लाइंड टेस्टिंग किया है। ये है वो पूरा लिस्ट। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आप इनमें से कौन सा ब्रांड ले रहे थे। ओमेगा 3 सप्लीमेंट में एसेंशियली 2 चीजें होती है, DHA और EPA, और ये है इन ब्रांड्स का DHA क्लेम। और इनमें से सिर्फ 4 ब्रांड ऐसे निकली जिनका DHA क्लेम मीट हो रहा था। और जहां तक EPA क्लेम की बात है तो इनमें से किसी भी ब्रांड का EPA क्लेम फुलफिल नहीं हो रहा था। 3 ब्रांड ऐसी है जिन्होंने EPA क्लेम ही नहीं किया। तो सिर्फ ये 2 ब्रांड है जिनका EPA का क्लेम मीट हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ इस लिस्ट में से कोई भी सप्लीमेंट हमें EPA नहीं दे रहा है। कुछ ब्रांड्स की मैं खास बात करना चाहूंगा, जैसे कि जावेदा वीगन ओमेगा 3, 100 mg DHA और 300 mg EPA क्लेम किया गया है और जो पाया गया है वो है 0 mg। तो ये दे क्या रहे थे, मतलब ये तो यार स्कैम, छोड़ो स्कैम का बाप है, ये तो पुलिस केस होना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के ऊपर। दूसरा ब्रांड अर्थ वीगन ओमेगा 3, अगेन इनके भी दोनों क्लेम नहीं मीट हो रहे। और इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके फाउंडर को आप जानते होंगे, ये शार्क टैंक की फाउंडर नमिता जी का ब्रांड है। लास्ट में बात कर लेते कार्बामाइट फोर्टे की, जिसका प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा था। ऑफकोर्स इनका भी जो क्लेम है वो फुलफिल नहीं हो रहा है और उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि इसमें जो लेड का लेवल है वो सेफ लिमिट से ऊपर पाया गया। इसके लिए मैं बोल रहा था कि इसको लेके शायद मैं अपना नुकसान ही रहा था। प्रॉब्लमेटिक बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। जब ट्रस्टिफाइड की टीम ने इनको रीच आउट किया इस बात को लेके, सेफ्टी लिमिट को लेके, तो इन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट इन्होंने फेब में डिसकंटिन्यू कर दिया है। और मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास में ये सेम प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट फेब के बाद का है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ही जुलाई 2025 की है, तो मैंने भी कंपनी को ईमेल किया तो उन्होंने उनको वापस से मेल लिखा जिसके ऊपर उन्होंने एक नया स्टोरी बताया कि फॉर्मुलेशन उन्होंने चेंज कर दिया है और ये भी कंफर्म किया कि उन्होंने लैब टेस्टिंग कराया, अब सब कुछ सही है। लेकिन उन्होंने वो लैब टेस्टिंग के रिजल्ट्स नहीं शेयर किए कि वो कंपनी पॉलिसी में नहीं आते हैं। आई एम श्योर कि उनके जो पॉलिसीज होते होंगे या जो भी कर रहे हैं वो उनका प्रोटोकॉल है, बट एज अ कंज्यूमर मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा खटकी एंड हेंस आई सेड कि पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ देयर प्रोडक्ट एवर अगेन। इनका मैं क्रिएटिन भी यूज़ करता था बट अब मैं वो नहीं यूज़ करने वाला। अब सवाल ये है कि क्या EPA एंड DHA ज़रूरी है कि नहीं और क्या ये हमें डाइट से मिल सकता है। जवाब इसका अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। EPA एंड DHA एक नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है तो इसका कोई RDA या RDI नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, चाहे वो उसके ब्रेन फंक्शनिंग से रिलेटेड हो या उसके एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स हो। तो इसके लिए जो भी लोग हेल्थ फॉरवर्ड है वो रेकमेंड करते हैं कि हमें EPA एंड DHA लेना चाहिए। ये ठीक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जैसा ही है, अगेन जिसके RDA या RDI नहीं है लेकिन उसके बेनिफिट्स देखे गए हैं, तो इसके लिए सब लोग एक रिकमेंडेशन, एक जनरल रिकमेंडेशन है कि 5 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए, स्पेसिफिकली उन लोग को जो लोग जिम जाते हैं। और कुछ लोग तो आजकल ये भी बोल रहे हैं कि 10 ग्राम 15 ग्राम भी ले सकते हो। क्रिएटिन का एडवांटेज लेकिन ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्टडीड सप्लीमेंट है, तो उसके क्या बेनिफिट्स है और ह्यूमन हेल्थ पे क्या आउटकम्स है और वो हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। तो कमिंग बैक टू EPA एंड DHA, क्या ये सप्लीमेंट एक हेल्दी एडल्ट को लेना चाहिए? मेरे ओपिनियन इसके ऊपर न्यूट्रल है। मैंने स्टडी करने की कोशिश करी, देयर वर ओपिनियंस ऑन बोथ साइड, तो कुछ एक्सपर्ट्स की बात सुन लेते हैं। तो माइकल ग्रेगर जो कि हाउ नॉट टू डाई के ऑथर है, उनका एक ब्लॉग एंड वीडियो है ऑन शुड वीगन्स टेक DHA टू प्रिजर्व ब्रेन फंक्शन, जिसमें अगेन उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इसके बेनिफिट्स देखे गए तो लेना चाहिए और लेने के कोई एज सच साइड इफेक्ट पे कंक्लूसिव एविडेंस कुछ है नहीं। तो उनका रिकमेंडेशन भी यही है कि ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट अलॉन्ग विथ कंटेमिनेंट फ्री EPA एंड DHA, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी हैवी मेटल्स था एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट में, वो नहीं होना चाहिए, टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लेकिन वहीं पे अगर जेफ नेल्सन की बात करें फ्रॉम वेज सोर्स, तो उनका ये ओपिनियन है कि हमें नहीं लेना चाहिए। Now let's look at omega 3 and vegans. And remember, the main concern is whether healthy vegans are converting enough omega 3 ALA into EPA and DHA. This study showed that the conversion rate in vegans is twice that of a fish eater. It says comparison of the plasma long chain omega 3s, this means dietary ALA, ratio between dietary habit groups showed that it was 209% higher in vegan men and 184% higher in vegan women. They were looking at how much each of these groups were taking in as ALA and how much EPA and DHA resulted in their blood. And the vegans had higher, meaning the conversion rate in vegans had to be higher because they had a lower intake. So in other words, your body adapts
when you're taking in less omega-3 and upregulates to convert more dietary ALA if you're not getting enough through diet, like if you're not eating fish. Here's another study. It showed that despite a theoretical low conversion rate of DHA in vegetarians, there's no evidence of any harm. So the problem may not be the conversion rate, but in the assumption that it's low. There's no evidence of adverse effects on health or cognitive function with lower DHA intake in vegetarians. In the absence of convincing evidence for the deleterious effects resulting from the lack of DHA from the diet of vegetarians, it must be concluded that the needs for omega-3 fatty acids can be met by dietary ALA. तो इनके हिसाब से हमें नहीं लेना चाहिए एंड जो स्टडी इन्होंने साइट किया वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जो एसेंशियली ये बताता है कि वीगन्स और वेजिटेरियंस में एसेंशियली नॉन फिश ईटर्स में कन्वर्जन रेट हाई होता है लेकिन चलो मान लेते हैं कि कोई इस बात पे अड़ गया है कि कन्वर्जन रेट नहीं ओवरऑल लो ही होता है एंड हमें क्या कहते हैं सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा और सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या हमें ये फूड से मिल सकता है विथ लो कन्वर्जन रेट तो इस बात का अगर कोई ऐसा मानता है तो इस बात का मैंने एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं तो इस कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि क्या हम फ्लैक्स सीड से DHA और EPA ले सकते हैं कि नहीं मैंने फ्लैक्स सीड एग्जांपल लिया है ये सिंपल रखने के लिए एक ही सोर्स लिया है बट मल्टीपल सोर्सेज अगर होंगे तो अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा मेन के लिए 4% और वुमेन के लिए 9% कैलकुलेशन के लिए EPA एंड DHA की रिक्वायरमेंट को मैंने 250 mg रखा है अगेन रिपीटिंग कोई इसका RDA या RDI नहीं है रिकमेंडेशंस है यहां वहां पे कि 200 mg से लेके 500 mg होना चाहिए 250 mg मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया था कि अगर 250 mg EPA DHA से सप्लीमेंट किया जाए तो ओमेगा 3 इंडेक्स स्कोर लोगों का सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ एंड क्योंकि DHA एंड EPA का कोई ऑप्टिमल स्प्लिट नहीं है तो मैंने 125 mg दोनों में बांटा है और ALA का RDI है 1600 mg फॉर मेन एंड 1100 mg फॉर वुमेन तो मेन के लिए मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं कुल मिला के मुद्दा यह है कि क्या फ्लैक्स सीड से हमें 1600 mg ALA 125 mg EPA एंड 125 mg DPA मिल सकता है कि नहीं तो 4% कन्वर्जन रेट ऑफ DHA के हिसाब से अगर हमको 125 mg DHA चाहिए तो इक्विवेलेंट ALA हमको चाहिए 3125 mg लाइकवाइज 8% कन्वर्जन रेट के हिसाब से अगर हमको 125 mg EPA चाहिए तो इक्विवेलेंट ALA है तकरीबन 1500 mg कुल मिला के मेन को चाहिए कुछ 6200 mg ALA और ये ALA क्या हमको फ्लैक्स सीड से मिल सकता है अगर हम 2.5 से 3 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड ले इज इट पॉसिबल यस इज इट रीजनेबल फॉर मोस्ट पीपल किनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है वो लोग जो कैलरी डेफिसिट में है जो कम कैलरी कंज्यूम कर रहे हैं मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि इतना फ्लैक्स सीड लेने से लगभग 150 से 200 कैलरी उनका चला जा रहा है ओमेगा लेने के लिए बट वंस अगेन अगर वो नट्स वगैरह ले रहे हैं तो इसका क्वांटिटी कम होगा बट यस दैट कुड बी अ प्रॉब्लम बट आई डोंट नो वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं मेरे फ्रेंड दिलीप का बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स था इसके ऊपर कि अच्छा चलो 180 कैलरी एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उतना वर्कआउट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो बट यस दिस इज द कैलकुलेशन अगर वुमेन की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 3000 mg ऑफ ALA जो कि 1.5 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड से कंप्लीट हो जाएगा एक और बात कि हमारे बॉडी में करेंटली ओमेगा 3 जो है वो किस लेवल पे है तो किसी भी चीज को जब हम मेजर कर लेते हैं तो डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है तो इसके लिए मैं अपना ओमेगा 3 इंडेक्स का टेस्ट कराऊंगा एंड इफ यू वांट मी टू शेयर द रिजल्ट्स विद यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड देन उसके बाद शायद मैं ओपिनियन बनाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए इसके ऊपर में बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि क्या आप सप्लीमेंट लोगे या फिर आप फ्लैक्स सीड और चिया सीड और वॉलनट ये सबसे ही अपना काम चलाओगे एंड जितने भी स्टडीज एंड वीडियोज की हमने बात करी है उन सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फॉर योर फर्दर स्टडी इफ यू वॉन्ट टू एंड ओमेगा 3 एक चीज है ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हमको अवेयरनेस होना चाहिए मैंने प्रोटीन के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट पे है प्रोटीन पे थोड़ा मिस आउट कर देते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल आवर सपोर्टर एंड अंटिल वी मीट अगेन दिस इज शिवम साइनिंग आउट नमस्ते दोस्तों